हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योग गार्डन। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जो भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, पैर छूकर धन्यवाद कर रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड देख सकते हैं, आज मेरी मधुमालती ने फिर से कमाल कर दिया, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग की है। 5-6 बार हो गए इसको फ्लावरिंग करती, ये मतलब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती। देख सकते फ्रेंड, पूरा प्लांट फिर से भर चुका है। कल रात में इसके सारे फ्लावर खिल चुके थे और मैं अभी 11 बजे इसका वीडियो बना रही हूँ। देख सकते हैं आप, सारे मतलब खिल चुके हैं, जितने भी उस बार ज़्यादा गुच्छा में खिला था, इस बार भी खिल चुका है, बहुत ज़्यादा खिलता है। देख सकते, एक उधर गुच्छा है, एक ये देखिए, 30 रुपए का प्लांट था और इतना ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है भर भर के कि पूछो ना। इस पॉट में छोटी सी मैं लगा था और फ्रेंड अब मैं इस बरसात में इसकी कटिंग और लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और इसकी खुशबू बेला की तरह है, बेला से भी अच्छी इसकी खुशबू होती है। तो आप लोग भी ये प्लांट लगाने की, पूरी गर्मी इसने कमाल ही कर दिया, पूरी गर्मी इसने बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग की, पूरी गर्मी फ्रेंड बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग की, भर भर के इसमें फ्लावर आए हैं, पूछो ना आप। वीडियो इसके कई, जितनी बार इसने फ्लावरिंग किया उतनी बार मैंने इसका वीडियो डाला है। तो जैसे बेला बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, मतलब गर्मी में कई बार फ्लावरिंग कर देता है, इसी तरह ये भी है। देखिए पूरा भर चुका है। तो चलिए फ्रेंड छत चलते हैं और छत में चल के मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितने सारे, देख सकते फ्लावर हुए हैं, कितने ज़्यादा खिले हैं, पूरा गुच्छे में खिल गया है और पूरा प्लांट फूलों से भर चुका है। आप नीचे से लगा के ऊपर तक देख लीजिए, इसको फ्लावर ही फ्लावर हैं। चलिए छत चलते हैं, छत में चल के दिखाती हूँ फ्रेंड। रात से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि पूछो ना। मैंने कुछ प्लांट अपने जीने में रख दिया है, देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा है। ये सब हमें हटाना पड़ेगा, नहीं तो प्लांट भी ख़राब हो गए। नीचे से जो होल होगा वो मतलब उसमें जाम लग गया, इसलिए नीचे से पानी नहीं जा पा रहा, तभी तो इतना सारा भर गया है। रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी कि मतलब हर जगह हमारे इधर पानी ही पानी हो गया है। देखिए ये देख सकते हैं आप, है ना, इधर साइड एकदम पानी ही पानी भर गया है, छत से है दिख रहा है ये। और देख सकते हैं ये मोसरोज कितने एकदम कितना खूबसूरत लग रहा है, दिख रहा है यहाँ प्लांट एकदम ग्रीन ग्रीन, है ना। देखिए बारिश में कितना ज़्यादा इसमें पानी भर चुका है, पूरा एकदम से पूरा ग्रीन है। देखिए जेड़ प्लांट है ये, कितना बड़ा है और कितना घना है, देख सकते हैं आप। और ये दोनों यहाँ पे रख दिया है और देखिए मोसरोज फ्लावरिंग कर रही है, लेकिन पानी की वजह से इसका फ्लावर अच्छे से भीग चुका है ना, तो उसकी कलियां हैं जो पूरी दब चुकी हैं। ये खिल रहा था लेकिन खिल ही नहीं पा रहा अभी। देखिए जो टावर मैंने बनाया था वो टावर भी पूरा भर चुका है और फ्लावर ही फ्लावर है। एक टावर मेरा ये है, ये इसमें से लकड़ी हैंग करके जब मैंने बनाया था, देख सकते इसमें भी फ्लावर आने लगे हैं। और चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए इधर साइड भी पानी ही पानी, इतना ज़्यादा मतलब बारिश हो गई है रात में कि हर जगह पानी पानी है, कह रहे हैं 3-4 दिन इसी तरह बारिश होना है। मौसम की तरफ देख लीजिए, एकदम बिल्कुल काला है। आपकी तरफ भी है यही हाल, कमेंट बताइएगा, क्योंकि अब मानसून है ना वो आ गया है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी भी झिमझिम हो रहा है, पूरी रात बरसे हैं और अभी 12 बज रहे हैं और अभी भी बारिश ही हो रही है। देख सकते फ्रेंड, अभी मैं आई थी तो पूरे छत में, तो अब इस तरह में कुछ कार भी नहीं कर सकते क्योंकि मिट्टी भी गीली हो गई पूरी जितनी मेरी रखी थी और सभी प्लांट भी गीले। देखिए कितना सारा इनमें से पानी भर चुका है, कुछ कार नहीं कर सकते हम अभी, छत भी गीली है, बस पानी ही निकाल सकते हैं आके। जब बारिश बंद होती है थोड़ी सी तो आती हूँ छत में, पास पानी निकालती हूँ, फिर चली जाती हूँ। और कई बार तो मैं भीग भी चुकी हूँ।
तो फ्रेंड कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग बताइएगा, आप भी बताइए आपकी तरफ बारिश हो रही है। फ्रेंड बारिश से कुछ तो प्लांट का नुकसान है, तो उन्हें तो बचाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा पानी उनको ना चाहिए। तो कुछ प्लांट है जो मेरे कैक्टस वैक्टस हैं, उनको तो मैंने इधर साइड रख दिया है क्योंकि उन्हें ज़्यादा पानी, पहले तो फ्रेंड मैं धूप से बचाती थी, अब मैं पानी से बचा रही हूँ। बड़ी समस्या है, देखिए जितने कैक्टस हैं मैंने उनको यहाँ पे रख दिया है, भीग भीग करके आ करके पानी से सभी को यहाँ पे रख दिया है। और कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया है, इस साइड यहाँ पे रखा हुआ है फ्रेंड। तो इन अभी तक धूप से बचाना था, अब बारिश से बचाएंगे क्योंकि लगातार की बारिश से ना तो ये छोटे छोटे पॉट इनमें से पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो वो भी हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इतने महंगे प्लांट है वो भी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए ये सब करना पड़ेगा। देखिए छत में किस तरह से पूरा बिखरा बिखरा फैला हुआ है। अब बारिश बंद हो तो फिर मैं साफ़ सफाई करके फिर से रखूँगी सेट से, पूरा सामान बिखर गया, पूरा अच्छे से नहीं है कुछ। मेरी इधर साइड की ये मॉस रोज बस अच्छी लग रही है मुझे, और तो मेरा सब बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, सब बारिश के बाद पूरा सेट करूँगी। देखिए जो मैंने इस छोटी छोटी से इनमें से लगाई थी ना, पूरी किस तरह से भर चुकी है और कितनी ज़्यादा फैल चुकी है ना, कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड, आप लोग कमेंट बताइएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये मेरा इधर का देखिए जो मैंने इधर बनाया था पाइप से, देखिए पूरा भर चुका है। ये स्टैंड, ये है अजवाइन, और देखिए ये बहुत सुंदर लग रही है। और एक स्टैंड देखिए टूट गया था, इसका ऊपर का मजबूत नहीं है ना, तो ये डलिया का है, तो ये मतलब टूट चुका है फ्रेंड। अब ये पता नहीं कब गिर जाए, क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं इसका। पर ये मेरी मॉस रोज जिसमें से कटिंग मैंने लगाया था तो लगी है, मैं इसको निकाल निकाल करके अलग हैंग करूँगी, अब किसी में और लगाऊँगी क्योंकि ये टूट चुका है ना, सही नहीं है, पूरा बिगड़ गया। और कुछ मैंने मॉस रोज को इधर रखा हुआ है जहाँ पे चिड़ियों को पानी और चावल रखे, देखिए चावल भी रखे थे, पानी भर गया चावल में भी क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो पानी तो भरेगा ही। और ईंट लगा लगा के मैंने रखा है कि मतलब आंधी भी हवा भी चले तो गिरे ना, और इधर साइड भी यही रखा हुआ है। और ये मेरा समी का प्लांट है, और इधर ये तो फ्रेंड बाय बाय, लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मानसून आ गया, 4-5 दिन इसी तरह बारिश होना है, तो अपने जो कुछ जो प्लांट है उनको बचाइए, जो ख़राब होने वाले हैं उनको तो बचाना ही पड़ेगा क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी फिर गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, है ना, तो इनसे उन्हें बचाना पड़ेगा। तो बाय बाय फ्रेंड, लव यू।